हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह करे में हम लोग भी ठीक है आप लोग की दुआ से। तो हम लोग अभी नाश्ता हो गया है और देखिए कितना गर्म हो रहा है ना, इतना गर्म हो रहा है क्या बोलेंगे। और अभी मैं जाऊंगी गोश्त लाने के लिए। तो और बन रहा है हम लोग इधर दाल गोश्त, राइस, जीरा राइस और शीरकुरमा, ये बनाऊँगी मैं। तो मैं दाल गोश्त बनाऊंगी भाजी डाल के, यूनिक तरीके से। हम लोग के लिए खैर यूनिक तरीके से नहीं है, यूनिक तरीके से आप लोग के लिए होगा, क्योंकि हम लोग तो बचपन से खाते, हमारी अम्मी बनाते थे तो दाल गोश्त। और आज तक मैंने यूट्यूब पे ये दाल गोश्त देखी नहीं है, किसी के चैनल पे मैंने नहीं देखी हुई ये दाल गोश्त जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप लोग के लिए ये यूनिक तरीके से दाल गोश्त बनगा और बहुत बेस्ट रहता है भाजी वाला। तो ठीक है, अब मैं गुड़िया को दे के जाऊँगी दाल, मेरी दाल चढ़ा दे और मैं जाती हूँ गोश्त लाने के लिए। और आज है हमारी ईद शवाल के रोज़े की, तो हमारे शवाल के रोज़े कंप्लीट हुए कल और आज हम लोग की ईद है। लेकिन अभी ईद भी हम लोग नहीं, मतलब कपड़े भी है सब लेकिन रेडी थे नहीं, मना हुई अभी क्या करूँ, खाली खाना बना रही हूँ। कपड़े भी हम लोग पहनेंगे तो पहनेंगे, ना तो नहीं, क्योंकि गुड़िया की तबीयत है ना, रिसोर्ट से आई है तो जब से ख़राब है उसकी तबीयत। अभी उसको बोली हुई दाल भी मत चढ़ा, तो बोलती नहीं अम्मी मैं कैसा भी चढ़ा देती हूँ, आप जाते हो गोश्त लेकर। मैंने ठीक है, यहाँ पकड़े पकड़े हाथ दुखता है सदमी भाई। तो मैं भी जा रही हूँ गोश्त लाने। और है आज मदर्स डे भी, तो मदर्स डे भी मेरे बच्चे लोग नहीं मनाएंगे, मैंने भी मना कर दी क्योंकि केक बनाना नहीं भूली गुड़िया को रात में, क्योंकि हम लोग घर में कुछ मसले चल रहे हैं। तो बस आप लोग दुआ करिए कि वो मसले हम लोग के घर के हल हो जाए। तो बस मसले हल हो जाएंगे तो फिर हम लोग आपको बताते हैं क्या मसले थे। इसके लिए मैं बोली केक वेक भी नहीं लाने का और नहीं हम लोग को नहीं मनाने का है मदर्स डे भी नहीं। और अभी कपड़े भी देखूँगी, मैं पहनूँगी तो पहनूँगी, और गुड़िया की तबीयत ही ख़राब है, वो बोलती है मैं नहीं पहनूँगी। मैं तो रात में थोड़ी सी हल्की सी मेहंदी लगाई थी, वो भी जो मैंने तेल बनाई थी आप लोग को मालूम है मेहंदी का तेल, तो वो मैंने लगाई थी कि ये बीच में हथेली में जो ये तेल है तो मेहंदी कैसा दिख रहा है। ये तो थोड़ी सी मेरी मेहंदी बची थी ईद की, तो मैंने हाथों पे लगा ली बस। तो अभी हो गया मेरा, अब मैं जा रही हूँ गोश्त लाने। तो देखते हैं कैसा बनता है दाल गोश्त, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये है तुअर की दाल और ये है मसूर की दाल। तो मैं बस यही दो दाल में, मतलब दाल गोश्त बनाऊँगी। अभी इसमें चने की दाल भी पड़ती है लेकिन मैं चने की दाल नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि चने की दाल से ज़्यादा मेरे शोहर को वो हो जाते हैं, परेशानी होती है, इसके लिए बोलते चने की दाल। मैंने चने की दाल नहीं डाल रही, जान रही यही खाली मैं बना रही हूँ। तो अब मैं ये देकर गुड़िया को जा रही हूँ, गुड़िया को बोलती हूँ चढ़ा दे, गुड़िया की तबीयत भी वैसे ख़राब ही है और क्या कर सकते। लेकिन मैं बोली थोड़ी हल्की भी चढ़ा देगी, वो बोली अम्मी मैं चढ़ा देती हूँ आप जाओ गोश्त लेकर आओ। तो मैं बोली ठीक है, मैं अभी गोश्त लेने जा रही हूँ। तो गाइस देखिए, ये गोश्त मैंने लेकर आई हूँ, अभी गोश्त इसमें चढ़ाऊँगी क्योंकि गुड़िया ने दाल बना चुकी है। यही कुकर में मैंने दाल खाली करी और इसमें गोश्त मैं चढ़ा दे रही हूँ। तो बस देखिए क्या क्या डालती हूँ। तो गाइस इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट, ठीक है, डेढ़ चम्मच डालूँगी मैं, ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ अदरक लहसुन। और अभी ये लहसुन का पेस्ट और इसके साथ में अभी ये मैं इसके साथ में ये गरम मसाला और हल्दी बुक्की, मिर्ची बुक्की और प्याज, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब इसमें। और नमक भी डालूँगी, नमक मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ। और इसमें ऑयल भी डालेंगे हम लोग, इसमें पानी थोड़ा डालेंगे ताकि गोश्त गल जाए, ठीक है, बच्चा गोश्त है, ऐसे हम ढक्कन लगा के चढ़ा देंगे गोश्त गले तक। तो गाइस अभी देखिए मैंने इसको ओपन करी हूँ और इसमें इतना थोड़ा सा पानी है और मैं अभी इसमें ये हरा मसाला डालूँगी। इसमें क्या है, पुदीना, कोथमीर और हरी मिर्ची, चटनी टाइप में है तो ये मैं अभी डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा इसको भूनते जाएंगे उसके बाद में हम इसमें और कुछ ऐड करेंगे भाजी वगैरह, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये मैंने पालक है, ये पालक धो के रखी हुई हूँ और दूधिया भी धो के रखी हुई हूँ। तो अभी हम इसमें डालेंगे, ये पहले हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे, ठीक है।
तो देखिए ये कस्तूरी मेथी है। अब हम इसमें ना हाथ से ऐसा मसल के, ये थोड़ा सा ऐसा मसल के क्रश करके ऐसे डालना है। तो गाइस देखिए ये मैंने दाल को है ना गुड़िया ने बॉईल करी थी, तो मैंने इसमें निकाल के रख दी थी आने तक मेरे गोश्त ला के, तो मैंने अभी गोश्त भी बनाने रख ली। ठीक है, तो डालना है उसमें। तो देखिए गाइस ये मैं इसमें भाजी डाल रही हूँ, इसमें मेरे ये भाजी और दूधिया डाल के मिलाती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखिए गाइस ये मिला दी, थोड़ा सा कुकर मेरे को छोटा दिख रहा है, छोटा कुकर है ना, क्योंकि 3 लीटर का है इसके लिए। तो अभी इसी में फिर भी गलाऊँगी इसी तरह भी। तो गाइस देखिए ये पक गया है, दूधिया गल गया, इसमें एक सीटी मैंने लगाई थी तो हो गया मस्त में गल गया दूधिया और भाजी भी। तो अब हम इसमें से थोड़ी तरी है ना जो निकालेंगे। ठीक है, तो गाइस इसमें देखिए ये तरी और बाकी है, मैंने इतनी निकाल ली। और अब ये दाल है, इसी के अंदर मैं ये डाल दूंगी गोश्त का पूरा मसाले के साथ जो है गोश्त दूधिया है ना। पहले तो मैं इसमें ये डालूंगी ये फल। देखिए ये इमली का फल है, मैंने निकाल दी हूँ, अब मैं इसमें डालूंगी ताकि ये अच्छे से हो, खट्टा खट्टा हो जाए। तो गाइस ये देखिए अभी इसको मैं जोश करूंगी, और मैंने इसमें ये थोड़ा सा ये मसाला डाली हूँ फूड जो ग्रीन मसाला है ना, ये ऐसे फूड का दाल गोश्त में थोड़ा सा डाली हूँ, देखते। तो देखिए गाइस मैंने ये शीर कुरमा भी बनाई हूँ, लेकिन इसमें आज ज़्यादा मैंने सेवई डाली हूँ, क्योंकि सेवई थोड़ा ज़्यादा डालो तो अच्छा लगता है, सेवई कम डालते तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा करके, तो थोड़ा मैंने सेवई ज़्यादा डाली हूँ आज। मैं बोली चलो अभी कोई मेहमान थोड़ी ना ऐसा आएंगे जो उन लोग के लिए करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने इसमें सेवई डाल दी, सिर्फ घर का मामला है इसके लिए। तो गाइस देखिए मैंने ये ज़ीरा राइस भी बना दिया, इसमें फूड कलर भी डाली हूँ। अब मैं इसमें ये ऐसन डाल रही, बिरयानी का है शायद, तो इसमें थोड़ा सा इससे अच्छा फ्लेवर आता है चावल में, बस उतना से थोड़ा डाली। और यहाँ दाल गोश्त जोश आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ी हरी मिर्ची मैंने इसमें डाली हूँ, जब जोश आ जाए तो उतार दूँगी। तो गाइस देखिए ये से हम ये तैयारी करेंगे अभी बघारने की। तो ये गर्म मसाले को मैं इसमें कूटूँगी, ये इसमें कूटूँगी। ठीक है, ज़ीरा भी थोड़ा डालने का कूटेंगे। तो देखिए थोड़ा ज़ीरा भी डाली हूँ, वो गरम मसाला कूट ली हूँ, अब थोड़ा ज़ीरा डाली हूँ और थोड़ी ये काली मिर्च। ठीक है, ये सब डाल के कूट, ये ऑयल गरम करने रखी हूँ मैंने, ऑयल गरम हो गया है, कम कर देती हूँ फ्लेम। तो अब ये मसाले में इसमें डालूँगी, तो देखिए अच्छे तरीके से हो गया है। अब हम इसमें दाल गोश्त में डाल देंगे और इसे फौरन ढक देंगे। तो देखते हैं क्या इसका हाल है, देखिए मस्त कितनी अच्छी खुशबू आ रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस आप लोग भी बनाइए इसी तरह, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको सर्व करके बताऊँगी। ठीक है, और ये जो तरी है मैं इसमें थोड़ी सी डालूँगी, क्योंकि तरी भी थोड़ा आना चाहिए ना दाल गोश में। तो देखिए है ना ये दाल गोश, ये है मस्त में दाल गोश, ये। तो गाइस देखिए मैंने सर्व कर दी हूँ, ये दाल गोश है, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना दाल गोश माशाल्लाह, और शीरकुरमा और ये ज़ीरा राइस। तो देखिए है ना कितना अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह से, ये जरा समय वो कर रही हूँ फोटो ले लूँ, है ना, बस। तो देखिए ये राइस भी, ज़ीरा राइस भी मस्त है, ज़ीरा राइस असल में ज़ीरा वाले चावल ही है, ज़ीरा जो है ना ज़ीरा राइस आते कोलम वाले वो ज़ीरा राइस है, और इसमें ज़ीरा भी पड़ा हुआ है, तो इसके लिए हो गया ना माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, बज गया है 4।
बहुत टाइम हो गया पकाते पकाते। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह करम हम लोग भी ठीक है आप लोग की दुआ से। तो आज मतलब दूसरा दिन हो गया, मैंने वीडियो एंड भी नहीं करी थी, कुछ नहीं, खाली मैंने खाना बनाया और आप लोग को बता दी दाल गोश्त का। तो दाल चा आप लोग ने देखा किस तरह से है, तो वैसा बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी बनाइए उस तरह से। ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, जिस तरह से बनता है उसी तरह बनता है। सिर्फ ये इसमें क्या भाजी पड़ दी, भाजी बहुत, भाजी डालो तो बहुत टेस्ट आता है, और मुझे यही दाल चा अच्छा लगता है ज़्यादा करके। तो बस आप लोग भी बनाइए इसी तरह। गर्म कितना हो रहा है भाई, बहुत गर्म हो रहा है। तो अभी गुड़िया की तबीयत ख़राब है, तो अभी हो रहा बज रहा है कितना 5:15, अब तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है काम करने से इसे। तो अभी गुड़िया की तबीयत सही नहीं हो रही है, पता नहीं, आप लोग दुआ करिए क्या है क्या नहीं उसकी तबीयत का। जब से रिसोर्ट से आई है जब से तबीयत ख़राब है उसकी। आज कितने दिन हो गया रिसोर्ट से आके, तो हम लोग 3 तारीख गए थे, 3 तारीख से आज 15 तारीख है। तो अभी तक देखिए 15 दिन समझिए हो गए ना, 12 दिन तो, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं हुई। नज़र भी उतारी, सब करी, दवा ला रहे, नज़र उतारी, फिर भी नहीं सही हो गई, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। चक्कर आती है उसको, चक्कर इतनी आ रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। चक्कर की दवा ला रहे, सब ला रहे, अच्छे डॉक्टर को बता रहे, फैमिली डॉक्टर हम लोग वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग को आज 20 साल से उधर से इलाज होता हमारा, वो डॉक्टर के पास से 20-22 साल हो गए वहीं से इलाज होता हमारा। बस इसके लिए मैं आप लोग से बोल रही हूँ, आप लोग दुआ करिए ठीक है। तो मैं ये वीडियो को आज ही अपलोड करूँगी, नहीं तो कल अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने कल संडे को दाल गोश बनाई है, हम लोग ने रोज़ा रखे थे ना शवाल के रोज़े, तो उसके लिए, और ईद मनाए, तो ऐसा ईद मनाना ज़रूरी नहीं है बोलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ईद मनाना, बस रोज़े रख लो तो रोज़े का सवाब बहुत है, एक साल भर के रोज़े का सवाब मिलता है ये रोज़े रखने से शवाल के। और आप लोग कोई भी टाइम पर रख सकते हैं महीने में, ऐसा नहीं कि छोड़ पकड़ के भी रख सकते, कोई ज़रूरी नहीं कंटिन्यू रखना, क्योंकि रमज़ान के रोज़े जो रख लेते कंटिन्यू उसके बाद हिम्मत भी नहीं होती है मालूम है, फिर उसके लिए कभी भी आप लोग रख सकते, कोई ज़रूरी नहीं बासी ईद को रखते बोलते तो तबीयत ख़राब हो जाती है, बासी ईद को तो अक्सर तबीयत ख़राब होती है इसके लिए ठीक है। तो मैं ये वीडियो आज अपलोड करूँगी ना तो कल, तो मैं इसके लिए अल्लाह हाफिज़ करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, मेरे लिए कल अल्लाह हाफिज़ भी नहीं करी और कुछ नहीं। तो गाइस मैं ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अबरार मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल लगा रहा है, तफाज बैठ रहा है, तो मैं ये वीडियो को यहीं ऐड करती हूँ। तो आप लोग को करना है सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, लाइक करिए शेयर करिए मेरे वीडियो को ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, मैं आप लोग को बोलती हूँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए प्लीज़, थोड़ा सा बाकी है मेरा, थोड़ा मैं बढ़ा दीजिए मुझे आगे कर दीजिए। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, बाय बाय, टेक केयर।